स्नैपड्रैगन 855। हाल ही में जो ये चिपसेट जो है लॉन्च हुआ है और इसी चिपसेट पर जो है बेस्ड वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन जो है अनवील हो चुका है और ये स्मार्टफोन है लेनोवो Z5 Pro GT। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट पर बेस्ड है और उसके साथ ही ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें जो आपको 12GB रैम जो देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस डिवाइस में और क्या स्पेसिफिकेशन है और कब होगा ये लॉन्च और क्या होगी इसकी प्राइसिंग, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं वायरल टैग। एज ऑलवेज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो दोस्तों, ये है Lenovo Z5 Pro GT। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 855 और 12GB रैम बेस्ड स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन की जो प्री बुकिंग जो है जनवरी 15 को जो है चाइना में शुरू हो जाएगी और इसकी फर्स्ट सेल जो है आपको 24 जनवरी को जो है देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो Z5 Pro GT डिवाइस है वो है Z5 Pro का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक स्लाइडिंग डिवाइस है जिसमें आपको बैक पैनल में कार्बन फाइबर की जो है डिजाइन दिख जाएगी, लाइक द 1+60 मैकलरिन एडिशन, जिसमें आपको जो ब्लैक कलर के साथ जो है रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत ही गॉर्जियस लगता है। बात करेंगे डिजाइन की तो डिजाइन वाइज ये डिवाइस जो है बिल्कुल ही थम्स अप है। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेगी 6.39 इंच की फुल HD डिस्प्ले जो कि सुपर एमोलेडी डिस्प्ले है और इसका स्क्रीन रेशियो है 95%। प्रोसेसर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 855 जो कि 7nm चिपसेट बेस्ड है और ये डिवाइस है जो Lenovo GUI 10.0 पर बेस्ड है और आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको इसमें एंड्रॉइड 5 जो है देखने को मिलेगा। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको मिलेगा 3350 mAh की बैटरी जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और बात करते हैं अब इसके मेन कैमरा सेंसर की। इसके बैक में आपको जो है दो कैमरा जो है देखने को मिल जाएंगे, एक 16 MP का और दूसरा है जो वो है 24 MP का, जिसमें जो है सोनी IMX सेंसर जो है दिया गया है और जिनका अपर्चर है f1.8 और इसके साथ ही आपको जो है डुअल टोन LED फ्लैश भी जो है इसमें देखने को मिल जाएगी। और इसके फ्रंट कैमरा की बात करें, स्लाइडिंग अप करने पर जो आपको जो है फ्रंट कैमरा दिखाई देगा और जो है फ्रंट में आपको जो 16 MP प्लस 8 MP के जो है डुअल कैमरा जो है देखने को मिल जाएंगे फ्रंट में भी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और रिलीजिंग की। तो ये डिवाइस है जो 4 वेरिएंट में जो है अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर जो आप चाइनीज प्राइस और जो है डिवाइस की लिस्ट जो है इनके वेरिएंट जो है स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब बात करें प्राइस अप्रोक्सीमेटली जो है 45K यानी कि तकरीबन चाइनीज प्राइस के अकॉर्डिंग जो है 45,000 रुपये के करीब इसकी प्राइस बैठ रही है। अगर बात करें इंडियन प्राइसिंग की तो इंडियन प्राइसिंग जो है थोड़ी सी हाई होने वाली है, यानी कि 50,000 से अब ही है जो है डिवाइस जो है इंडिया में लॉन्च होगा। और बात करें इंडिया लॉन्चिंग की तो इंडिया लॉन्चिंग है जो इसकी जो है फरवरी के एंड और मार्च के स्टार्टिंग तक जो ये डिवाइस जो है इंडिया में लॉन्च हो जाना चाहिए। तो अभी इसके बारे में कोई कंफर्म डिटेल अवेलेबल नहीं है कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इस डिवाइस को लेकर आपकी क्या थिंकिंग है और आपको ये डिवाइस कैसा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।